खबर कन्नौज से है, जहां छिबरामऊ क्षेत्र के अंतर्गत मजरा शारदामऊ के गांव कुशलपुर में ग्रामीण 10 वर्षों से समस्या का सामना कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय के मुख्य मार्ग पर पानी भरा हुआ है। आपको बता दें कि इसी रास्ते से प्राथमिक विद्यालय की छात्र छात्राएं गुजरते हैं और कई बार छात्र छात्राएं कीचड़ में गिर जाते हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार ग्राम प्रधान से सड़क बनाने की मांग की, लेकिन वह कहते हैं कि खाते में कोई बजट ही नहीं है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुमनेश यादव। कहाँ रहते हो? कुशलपुर। क्या समस्या आ रही? समस्या ये आ रही है, 100 मीटर की रास्ता है जी। इस पे तालाब सा पानी भरा हुआ है जी। इसमें जो बच्चे स्कूल जाते हैं प्राइमरी में, वो गिरते हैं, इसमें मच्छर पैदा होते हैं और आने जाने में बहुत समस्या हो रही है। 10 साल हो गए प्रधान, इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपने कहीं शिकायत नहीं की इसकी? शिकायत प्रधान से करते हैं, प्रधान ये बोलता है मुझे काम करने नहीं दिया जाता, मगर प्रधान से बोलते हैं काम करो आके, कौन रोक रहा? कोई नहीं रोक रहा। गांव के सारे लोग नाली बनवाने पर और रास्ता बनवाने के लिए तैयार है और प्रधान काम नहीं कर रहा है। उच्च अधिकारियों से आपने इस बात को अवगत नहीं कराया कि हमारे गांव में बहुत समस्या आ रही है पानी निकलने जाने में? अभी तो हमने नहीं कराया, सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत की है इसकी। उसका समाधान नहीं हुआ अभी तक? नहीं हुआ अभी तक। आप लोगों को इतनी परेशानियां उठानी पड़ती है, आप कैसे इसे समाधान से मुक्त होंगे? ये हमारी रास्ता क्लियर कराई जाए। प्रधान से मेरा यही कहना है कि जो स्कूल की रास्ता है, मैं रास्ता ही है, और कोई गांव की वो भी रास्ता एक है, उस पर भी पानी भरा हुआ है। दो रास्ता ये स्कूल वाली है और ये रास्ता कंप्लीट कराई जाए। गांव सफाई कर्मी आते हैं? नहीं आते हैं। कभी नहीं आते? कभी नहीं आते। नाली ही नहीं गाँव में सफाई कर्मी क्या, ये गोता तालाब में खोदे आगे नाली। सर मेरा नाम दिलीप कुमार, ग्राम कुशलपुर पोस्ट। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे गांव में जो प्राइमरी स्कूल है उसकी मैं रास्ते पर जी ना नाली है ना रास्ता है, और ये तालाब जैसा पानी भरा हुआ। प्रधान से कहते हैं, कई एक बार कहा है, वो बता रहे हैं कि हमारे खाते में पैसा नहीं आ रहा, खासकर कुशलपुर के लिए पैसा नहीं है। और हर घर का, क्योंकि मेरा टोटल गांव यादवों गांव है, इसलिए भाजपा सरकार चल रही है, उसका कहना है कि भाजपा वाले यादव गांव के लिए पैसा नहीं देते। अच्छा, आपके कई एक बार हमने सीएम हेल्पलाइन पे भी शिकायत की, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी शासन प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे गांव का जो विकास आता है ऊपर से वो करवाया जाए। आपके साथ भेदभाव हो रहा है क्या? बिल्कुल 100 नहीं 110% भेदभाव यादवों की वजह। प्रधान जी क्या कह रहे हैं? प्रधान जी ये कह रहे हैं कि हमारे खाते में पैसा नहीं, हमारा खाता बंद है, काम मिल ही नहीं रहा। उच्च अधिकारियों से नहीं इस बात को अवगत कराया आपने? सीएम हेल्पलाइन पे एक बार नहीं, 4 बार हमने शिकायत की अपने फोन से, विरोध यहाँ से लेके लखनऊ तक करेंगे। जब यहाँ सुनवाई नहीं होगी, सीएम आवास पे जाएंगे। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा, संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।